सबसे पहले लिए हैं 4 पोटैटो जो कि बॉईल किए हुए हैं और इसे मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। और इसके बाद मैंने लिए हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, तो एक मीडियम साइज का प्याज, थोड़ा धनिया कटा हुआ और लहसुन अदरक और मिर्च एक ही में कुटे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब मटर लिया है उबला हुआ। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाला और मैंने डाल दिया इसमें जीरे और यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना प्याज बारीक कटा हुआ। इसे मैं थोड़े अच्छे से भून लूँगी पिंक होने तक और इसमें मैं डाल दूँगी अब अदरक लहसुन और मिर्च को जो मैंने कूट के रखा हुआ था। तो आप इसे या तो यहाँ पे आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेरी ही तरह क्रश करके भी डाल सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया इसमें मटर, इसे भी मैं अच्छे से भून लूँगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला। इतने ही मसाले हमें डालने हैं इसके अंदर और हमें कुछ भी नहीं डालना। तो यहाँ पे मैं पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मटर में थोड़ा थोड़ा पानी था ही, तो हमें इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है, हमें टाइट टाइट ही रखना है। अब मैंने इसमें डाल दिया पोटैटो अपना, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक भुनने देंगे, लगभग 2-3 मिनट तक। ये जो हमारा नाश्ता है फ्रेंड्स, बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही इजीली बन के तैयार होता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार होता है। तो एक बार आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, इसको बनाने में बहुत ही आसानी से बन के रेडी होता है। तो अब मैंने डाल दिया इसमें धनिया पत्ती ताकि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आए और बच्चों को खाने में भी अच्छा लगे ये, और इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ कुछ ब्रेड स्लाइसेस, तो इस पे मैंने अपनी जो स्टफिंग बनाई है पोटैटो की उसे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया और इसके ऊपर मैं एक और ब्रेड स्लाइस लगा दूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ब्रेड के साइड्स को नहीं काटा है, आप चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं पूरे ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से अपने स्टफिंग को लगा के और ऊपर से ब्रेड लगा दूँगी। और उसके बाद मैंने किया है एक तवा को गर्म और उस पर मैंने डाल दिया है घी। आप यहाँ पे घी के जगह वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल 1 चम्मच घी में ही हमारा जो डिश है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इसे मैंने थोड़ी देर में ही 1 मिनट के अंदर ही मैंने इसे पलट दिया, तो देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है हमारा। और इसी तरीके से दबाते हुए हमें अच्छे से सेक लेना है और पलटने के बाद भी हमें 1/2 चम्मच के करीब घी और लगा देना है और थोड़ा सा घी उसके ब्रेड के नीचे भी लगा देना है ताकि हमारा दोनों ही साइड से ब्रेड अच्छे से सिक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी इजीली हमारा जो नाश्ता है वो बन के रेडी हो गया है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही कम समय में। तो अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इसे मैं क्या करूँगी कि थोड़ा तिकोना सा शेप दूंगी और बीच से काट लूंगी मैं इसे नाइफ़ की हेल्प से। तो देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है ये, बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम समय में बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो इसकी प्लेटिंग मैं कर रही हूँ। इसके साथ मैंने बनाई है धनिया पत्ती की चटनी, तो इसकी रेसिपी मैंने लिट्टी चोखा वाले वीडियो में शेयर की है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से लिट्टी चोखा बना के दिखाया है, तो आप उस वीडियो को भी इंजॉय करें।
और ये देखिए हमारी प्लेटिंग हो चुकी है। अब हम ले चलते हैं अपनी डिश को कनिष्क और सम्यक के पास और कराते हैं इसकी टेस्टिंग कि कैसा बना है ये और वो लोग हमें कितना मार्क्स देते हैं और कितना उन्हें पसंद आता है। तो आप देख सकते हैं कनिष्क और सम्यक भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इसे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी रेसिपी भी, आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा एक बार। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। 10 में से कितना मार्क्स? 1000। ओह, कैसा लग रहा है टेस्ट? लाजवाब।